रुक जाओ, वरना मुझे तुम पर वार करना होगा। लगता है इसे रोकने के लिए मुझे इस पर वार करना ही होगा। रुक जाओ बच्चों, तुम सब लोग पीछे हट जाओ। देखो तुम जो भी हो, मुझे अपनी सच्चाई बता दो तो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ कौन हो तुम? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता, और इसलिए मुझे बता दो कि कौन हो तुम। नहीं बताऊंगा। तो तैयार हो जाओ। मुझे अपनी सच्चाई जानने से नहीं रोक सकते। लगता है अब तुम आसानी से नहीं मानोगे। मानव? वो शक्तिशाली बच्चा मानव है, लेकिन मानव के पास जादुई शक्तियां आई कहां से? मानव, हमें जान के खुशी हो रही है कि तुम हमारी मदद कर रहे थे। हाँ मानव, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तू सुपर हीरो है मैं। लेकिन मानव, ये सब हुआ कब और कैसे? आखिर बालवीर को पता लग ही गया वो शक्तिशाली बच्चा मानव है। अगर उसने मानव की शक्तियों को वापस ले लिया तो मेरी हार निश्चित है। हाँ मानव, देखो अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम ही सुपर हीरो है ना, तो मैं तुम पर वार नहीं करता। लेकिन तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? जो भी है, मुझे बहुत खुशी हुई मानव कि तूने हमें बचाया। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने हमारी मदद की। थैंक यू मानव। थैंक्स मानव।
बच्चों की मदद करते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पास ये शक्ति आई कहाँ से? मुझे डर है तुम कहीं किसी षड्यंत्र के शिकार ना बन जाओ। बताओ मानव, तुम्हें शक्तियाँ किसने दी? ये शक्तियाँ मुझे, पर एक बात का ध्यान रहे, इसके बारे में तुम किसी से भी, यहाँ तक कि बालवीर से भी कुछ नहीं कह सकते। और अगर ऐसा किया तुमने तो ये जादुई डंक तुमसे दूर हो जाएगा। ये शक्तियाँ मुझे एक अच्छी परी ने दी है, लेकिन वो कैसी दिखती है, उनका नाम क्या है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अच्छी परी? क्या नाम है उस अच्छी परी का? मानव देखो, मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी अच्छी परी नहीं है जिसे तुम्हें शक्तियाँ दी हो। मानो, मुझे लगता है कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। नहीं बालवीर, मैं किसी भी मुसीबत में नहीं फंस सकता, क्योंकि जब तक मेरे पास जादुई शक्तियां हैं तब तक मैं हर एक मुसीबत से लड़ सकता हूँ। मानो देखो, तुम मुझे बता दो कि वो अच्छी परी कौन है, वरना मुझे तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीननी होगी। नहीं बालवीर, इतनी आसानी से तुम्हें अपने सपनों को नहीं कुचलने दूंगी। मानव अब कोई साधारण बच्चा नहीं, मेरा मोहरा है। बताओ मानव। नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। मानव रुक जाओ। मैं, मुझे मानव से उसकी शक्तियां छीननी होगी, मुझे माफ करना। मानव, मानव, सारे बच्चों में मानव काफी सीधा और भोला भाला बच्चा है, उसे इन जादुई शक्तियों का मिलना, सबके पीछे जरूर कोई ना कोई खतरनाक षड्यंत्र है, पर सब कर कौन सकता है? ये अचानक मानव कहाँ चला गया? आखिर वो कौन हो सकता है जिसने मानव को शक्तिहीन होने से बचा लिया? आखिर मानव की जादुई शक्तियों से किसे फायदा हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ मानव, बालवीर के मन में तुम्हारे लिए द्वेष और घृणा है, इसीलिए वो तुम्हारी सारी शक्तियां छीनना चाहता है। बालवीर को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी बच्चा उसके अलावा किसी और की प्रशंसा करे। अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मेरी बात मान के हमेशा के लिए शक्तिशाली हो जाओ, या फिर बालवीर के पास जाकर अपनी सारी शक्तियां त्याग, बन जाओ वही मानव जिसका कोई महत्व नहीं, जिसका दर्जा हमेशा दूसरा रहेगा। नहीं नहीं, मैं सेकंड नहीं रहना चाहता, और ना ही अपनी इंपॉर्टेंस खोना चाहता हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो सुनो, बालवीर तुम्हारी शक्तियां एक ही यंत्र से छीन सकता है, और वो यंत्र सबके लोक में है। मैं तुम्हारे लिए वो यंत्र नहीं ला सकती, पर उसे नष्ट करने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है मानव कि तुम बालवीर से कहीं ज्यादा अच्छे और सच्चे। तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं, पर एक बात समझ लो मानव, कि अगर तुम अपनी शक्तियों को हमेशा के लिए बचाना चाहते हो, तो किसी भी तरह उस यंत्र को मेरे पास, इसके लिए तुम्हें बालवीर से युद्ध भी क्यों ना करना पड़े। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।